सब्सक्राइब करें थैंक्स इसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपके जीवन में सुंदर से सुबह के लिए बहुत सारी आशीष और बरकत देने के लिए आज आपके जीवन में वचन दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन ने आपके जीवन में एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और प्रतिदिन हर समय हर घड़ी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि खुदावन जो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है वो हर एक चीज आपके जीवन में पूरा कर सके और आपको बहुत सारी आशीष दे सके। खुदावन आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है जो आज हमारे अधिकांश हमारा जो जीवन प्रतिदिन का जीवन जो संबंधित होता है वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं का अपने हृदय में रख कर छोड़े। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि खुदावंद हमें ऐसा वचन देता है, ऐसी रोज हम अपने जो प्रतिदिन अपने जीवन में हम करते हैं, जो भी संबंधित है आपके जीवन में काम, आपका जो भी दिनचर्या है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियों, यदि तुम मेरे वचन को अपने हृदय में रखते हो और उसे ग्रहण करते हो और सुन करके अनसुना नहीं करते हो, अपने जीवन में उसे रखते हो, तो खुदावन का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को यदि अपने हृदय में रख छोड़ेगा तो तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत मिलेगी और तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसीलिए दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। परमेश्वर ने क्या कहा, बुद्धि की जो बात होती है हमें बहुत ध्यान से सुनना है ताकि परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे जीवन में है वो हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज यदि आज हम हर एक बातों को ध्यान से सुनते हैं और वचन को ध्यान से सुनते हैं, मंथन करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की कमी है, जो भी किसी चीज का आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो खुदावन आपके जीवन में आपको पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और समझ की बात में मन लगा करके हमेशा सोचें, और जिस तरीके से हर चीज को आपको समझ करके चलना है, यदि यत्न से तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बुद्धि सड़क में, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जो होती है सड़क में ऊंचे स्वर में बोल है और चौकों में प्रचार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी इंसान के पास बुद्धि है, समझ है, तो उसके अंदर हर प्रकार की ज्ञान और गुणवत्ता होती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो चिल्लाती है, बोलती है बड़े ऊंचे स्वर से। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ध्यान से पहले तो मेरे वचन को ग्रहण कर, और बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में समझ ला, ताकि तू अपने जीवन में हर तरीके से मजबूत हो सके। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को याद रखना है, और जिस तरीके से उसको चांदी के समान ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे बहुत सारे बहनें हैं चांदी और सोने के लिए जब खरीदारी करते हैं तो बहुत ध्यान से उसे रखते हैं, बहुत अच्छे से उसे ढूंढते हैं और बहुत संभाल के रखते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, क्या कहा, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। खुदावन आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कि खुदावन आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे मिलेगा, यानी प्राप्त होगा आपके जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि जो बुद्धि मिलती है हमें, जो ज्ञान मिलता है वो हमें परमेश्वर देता है। कौन देता है, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर देता है। इसीलिए हमें याद रखना है,
कि जो आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वो हमारा परमेश्वर देने वाला है। ज्ञान और समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके मुंह से? परमेश्वर के। आज आप कुछ भी बोलेंगे, आज आप कुछ भी बातें करेंगे, परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि देगा कि वो परमेश्वर बोलने वाला है। वो आप नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर बोलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख कर छोड़ता है उसके जीवन में। क्या करता है? जो सीधे लोग होते हैं उसके जीवन में बहुत बुद्धि और ज्ञान और खरी शिक्षा देता है, ताकि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावटें ना आए, किसी भी काम में कोई रुकावटें ना आए। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है, जो कोई खराई से चलते हैं, जो कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो इस सृष्टि पर, जो कोई परमेश्वर से खराई से चलता है, उसके लिए वह हमेशा ढाल ठहरता, यानी ढाल बन करके खड़ा रहता है वो परमेश्वर। आपके जीवन में किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती है। यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत है तो आपके जीवन से निकलेगी। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह न्याय के हमेशा साथ देता है और आपकी देखभाल करता रहता है, आपके बच्चों को, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके कामों में, हर तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु मतलब उम्र होती है, आपकी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू ऐसा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलता है, तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आयु बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से मैं तुझे बचा करके रखूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। जिसकी आस्था, आज आपका विश्वास है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माओं को आप आज्ञा देंगे, ताकि आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या बढ़े और तू अधिक कुशल से रहेगा, तो बहुत खुश रहेगा अपने जीवन में, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और मन लगा करके प्रार्थना करता है, तो तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। क्या करना है? आज हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है कि खुदा, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरी आप मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे? खुदावंद आपके साथ वो खड़ा होगा, वो आपको काम देगा, वो आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगा और आपके हर एक कामों में बहुत बड़ी आशीष मिलेगी, हर एक काम आपके जीवन में सफल होंगे। यदि इस बात को याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं कहते नहीं करेंगे तो हम अपने मन के ही करेंगे, नहीं मेरे प्यों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके, आपको विनती करके, निवेदन करके, आपको हर एक काम को आगे बढ़ाना है, ताकि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, और आपको हर एक कामों में बहुत सारी आशीष आपको मिलने वाली है। हालेलुया। आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनके जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देखरेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावंद से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक
प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करिए खुदावंद, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से। आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी है, मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए, परमेश्वर ने नशे जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी, यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुखाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है परमेश्वर, जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे। हे खुदावंद, आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं, और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए, यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सत्कलम, 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 यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ। पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से
निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुखाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द, यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को, उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वह बहुत बड़ा, मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा, यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए, यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा, वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए, जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द, यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से चल, निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगा, यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते, यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए, यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी, यीशु मसीह के नाम से। और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की, यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त, यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं, यीशु मसीह के नाम से आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें आपको देने वाला, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से सब दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी
बुरी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आएंगी। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।